अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ भरे हुए टींडे, जो कि बहुत इजी हैं और मज़े के बनते हैं। तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने प्याज टमाटर लिया है, नमक, हल्दी, हरी मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और 10 से 15 मिनट इसको स्टीम कर लेंगे। और मेरे पास मौजूद था शान का अचार गोश्त मसाला, तो मैंने कहा इसी को यूज़ करते हुए बना लेते हैं। थोड़ा सा मैंने अपना मसाला भी ऐड कर दिया है, फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, वरना मेरी अम्मी अपने ही मसाले डाल के इनको भरती हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा लीमू ऐड किया है, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना आप पानी डाल के भी सिर्फ पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा टैंगी फ्लेवर में होता है। अब अच्छी तरह टिंडों को छील के धो लिया था और उनमें कट्स लगा लिए हैं। अब उसमें मसाला भर रहे हैं और साथ में कुछ हरी मिर्चें भी हैं, उनको भी मैं भर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल बीज निकाल देते हैं और फिर मसाला भरते हैं, तो हम जस्ट सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं, कोई इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही मिर्चों को भी अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है और यहाँ पर मैंने अब प्रेशर कुकर को खोल दिया है। मसाला हमारा जो हांडी का है वो भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर आग तेज़ रखी हुई है मैंने। जब ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम ये टींडे भरे हुए मसाले के ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद इसमें जितना भी आपको मसाला चाहिए, आपने थिक रखना है या आपने शोरबा बनाना है, वक्त अपनी मर्ज़ी है, उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। और फिर से हम 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे और 5 मिनट बाद ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल बन गई है, थिक थिक मसाला बना है। अब हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया और हरी मिर्च से और ये मज़ेदार टींडे रेडी हो चुके हैं। आप इस तरीके से बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।